तमाम अहबाब के हम शुक्रगुजार हैं कि आज हमारा मौकफ, हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू था, उसको सुनने और आवाम तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ काम किया है। उसके बाद आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये प्रेस ब्रीफिंग हमारे मोहतरम भाई मुहिब वतन मुजाहिद हक़ नबूवत जनाब हुसैन सालक, जनाब बरादर शहीद सियालवी सदर स्टेट यूथ पार्लियामेंट पाकिस्तान, कल उनको बिला जवाज बेबुनियाद एफ आई आर की बिना पर अपने घर से अरेस्ट किया गया। आपको जरा हम बताएंगे कि किस वजह से उनको अरेस्ट किया। गुज़श्ता दिनों मस्जिद वजीर खान के अंदर एक डांस पार्टी, एक शूटिंग होती है जहां पे वफाकी वजीर मौजूद हैं और वफाकी वजीर की मौजूदगी में मस्जिद के तकद्दस को पामाल किया गया। वहां पे डांस हुई, वहां पे ढोल धमाल सारा कुछ हुआ, लेकिन किसी भी हुकूमती सतह पे, किसी भी इंतजामी सतह पे उस पर नोटिस नहीं दिया गया। उसके बाद जुमा के दिन उसी वजीर खान मस्जिद के अंदर शहीद सियालवी और पाकिस्तान के मुहिब वतन नौजवानों का काफिला उसकी क़यादत करते हुए मुजाहिद हक़ नबूवत शहीद सियालवी वहां पे गए। उन्होंने नमाज जुमा अदा की और पुरअमन तरीके से वहां पे अपना इत्तेदाद कायम करवाया कि मस्जिद और ये जो शायर इस्लाम है इनकी बेतरतीबी, इनके तकद्दस की पामाली जो है, हम पाकिस्तानी इस तकमल का बर्दाश्त नहीं करते। और उस पुरअमन एहतजाज के बाद उन पर बेबुनियाद एफ आई आर दर्ज की गई। वो एफ आई आर क्या है? 506, जो किसी शख्स को जो है वो कतल की धमकी देना, फिर उसके बाद 153 भी, यानी किसी शख्स की जो है वो आप जो है वो बेतरतीबी करते हैं। उसके बाद जो है 270 और 259 जो है तहजीरात पाकिस्तान, जिसके तहत आप कोई बीमारी फैला रहे हैं, कोई डिजीज फैला रहे हैं, इस तरह की बेबुनियाद को जो दफा लगा के शहीद सियालवी को अरेस्ट किया गया। और अब देखें, एक तरफ जो है मस्जिद की बेतरतीबी हुई है, जहां पे हमारे यहाँ कानून है 295C है, 295B है, 296 है, इस तरह की जो दफात है जो क्या लगनी चाहिए थी वफाकी वजीर और उनके उस पूरे टोले पे जिन्होंने मस्जिद की बेतरतीबी की, उस पर किसी ने नोटिस नहीं लिया। और उस पर पुरअमन इत्तेजाज करने वाले, मस्जिद के अंदर काल अल्लाह और काल रसूल की सदा बुलंद करने वाले शहीद सियालवी को बेबुनियाद तैयार पे वहां से अरेस्ट किया और लाहौर लेके गए। आज जब अदालत में पेश किया गया तो मजिस्ट्रेट मौजूद नहीं है। वो अदालतें जो इतवार के दिन लगती है, वो अदालतें जिसके अंदर 52 जजेस मौजूद होते हैं, लेकिन सुबह से लेकर 1 बजे तक कोई मजिस्ट्रेट पेश नहीं होता और उनकी जो है वो बेल भी रिजेक्ट होती है, मतलब बेल लगी नहीं है जब मजिस्ट्रेट वहां पर मौजूद ही नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि मुल्क पाकिस्तान जिसकी बुनियादी कलमत पर रखी गई थी और वहां पे जो मेहरबान वतन है, जो नामों से रिसालत और शायर इस्लाम का दिफा करने वाला जो काफिला स्टेट टू पार्लियामेंट उसका लीडर है शहीद सियालवी, उनको अरेस्ट किया जाता है और उनको जाया धमकाया जाता है। हम अरबाब इख्तियार को कहते हैं कि ऐसा न करें। ये मुल्क जो है वो पाकिस्तान जो है ये ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे बना था और इस मुल्क की बुनियाद में, पाकिस्तान की बुनियाद में मुहिबान वतन और मुहिबान इस्लाम ने आपके खून से आजादी की थी। आज उनकी जो औलादे हैं उनको आप इस तरह से डरा धमकाकर जो बुनियाद है तैयारें करके, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि यहां पे इस्लाम का नाम लगे? आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि यहां पे मस्जिदों की बेतरतीबी हो और कोई शख्स अगर उसके खिलाफ आवाज बुलंद करे तो उसको आप जिंदा के पीछे देखें?